बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा बकरा जो कि अब कुर्बान हो गया है। और इसका मैंने थोड़ा सा शूट लिया था क्योंकि हमारा जो था ना बकरा वो बिल्कुल बस एक दो दिन पहले ही आया था और घर में तो इतनी जगह नहीं थी कि इसको हमने रखा ही नहीं हुआ था घर में। तो फिर घर में ये उसी मॉर्निंग आया था जिस दिन इसने ईद का दिन था और कुर्बान होना था। तो ये फिर मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी और इस वक्त हो रही थी कुर्बानी हमारी। बहुत जल्दी कुर्बानी हो गई थी, तकरीबन हम जो थे वो 8 बजे बिल्कुल सुबह के फ्री हो चुके थे कुर्बानी से। बहुत जल्दी कसाई हमारा जो था वो 6:30 बजे ही आ गया था और जल्दी से कुर्बानी हो गई थी। और उस वक़्त फिर ये था कि अभी कलेजी और बनने में ज़रा थोड़ा सा टाइम था, तो फिर हमने सोचा कि बच्चों को ज़रा भूख लगी हुई थी तो फिर मैंने कहा कि मैं उनको फ्रेंच टोस्ट बना दूं और चाय साथ मैंने रख दी थी क्योंकि जब तक कलेजी बननी थी तो वो तो फिर बाद में खानी ही थी। अच्छा, कलेजी का कुछ ये सीन है कि हमारे घर में जो है ना वो कलेजी इतने शौक से खाई नहीं जाती और इतना ज़्यादा, मतलब ये कि सिर्फ एक या दो बोटी जो होती है कलेजी की वही ज़्यादा खाई जाती है। वैसे तो इतना कोई बच्चों को भी शौक नहीं है कलेजी खाने का। तो वो फिर ये कि मैं कलेजी जो है ना वो बहुत कभी है कि मैं बना लेती हूँ वरना ज़्यादातर नहीं, क्योंकि अम्मी बनाती हैं तो वो फिर मुझे एक प्लेट भेज देती हैं कि भाई हम जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, वरना इतना शौक़ नहीं है कलेजी खाने का। ज़्यादातर वो यही होता है कि टिकियां वगैरह जो होती हैं ना कीमे की वो खा ली जाती हैं, कीमा शौक़ से खाते हैं फैमिली में। तो यहाँ पे फिर ये था कि जब तक गोश्त को ये था कि मैंने हवा में रख दिया था कि हवा में थोड़ी देर, ज़ाहिर है गोश्त जब बनता है उसको फ़ौरन से नहीं रख देते होते फ्रिज में, उसको थोड़ी देर यह है कि हवा में रखना जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने ये है कि सारा दिन बस इसी काम में लगे रहे, गोश्त बांटने बूटने में। और फिर ये है कि दोपहर में भी हमने फिर नान चने और साथ कलेजी अम्मी की तरफ से आई थी वही हमने उसका ही लंच कर लिया था। तो फिर शाम को ये है कि फिर मैंने यही था कि टिकियां फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि कीमा भी बनवा लिया था। और टिकियां फिर ये था कि मैंने ज़रा, सब तकरीबन घर में शौक़ से खाते हैं, फिर मैंने कहा कि आज रात को जो है वो टिकियां ही फ्राई कर लेते हैं। तो फिर सेकंड डे जो होता है वो हमारा अम्मी की तरफ खाना होता है दोपहर में। तो अभी तो फिर यहाँ पे मैंने टिकियाँ जो थी वो फ्राई कर रही थी और साथ जो इतनी गर्मी थी ईद वाले दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमारी ईद के दिन पहले दिन लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और यहाँ पे जी टिकियाँ हो गई थी फ्राई और बस हम सब जो थे वो मिलकर खाना खाने लगे थे। और इसके बाद जो थी वो रात बस जल्दी हम लोग सो गए थे क्योंकि सुबह मॉर्निंग से उठे हुए थे और दोपहर में थोड़ी देर बस सोए थे। और फिर जी सेकंड डे आ गया है और सेकंड डे जी मैंने तैयारी कर ली थी, अब हम जा रहे थे अम्मी की तरफ। और ये था जी मेरा ड्रेस क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी, कुछ भी पहनने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि हब्स का मौसम है और कुछ भी पहनो, कुछ नया भी चाहे लॉन सिंपल ही पहन लो तो उसमें भी इस कदर शदीद गर्मी लगती है। तो फिर ये था कि मैंने जो था वो सिंपल सा ही सूट पहन लिया था और मुझे जो है गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से मैं जो हूँ ना ज़्यादा नए कपड़े नहीं, इतने पहन, ज़्यादा हैवी मतलब लेसेस वाले या बटन्स वाले नहीं पहन सकती। तो मैंने सिंपल सा बस सूट पहन लिया था और साथ मैंने ये थोड़ी सी हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहन ली थी ताकि पता लगे कि भाई ईद का दिन है। और ये थी जी मेरी सिंपल सी तैयारी। और बस जी आगे थे हम लोग अम्मी की तरफ और दोपहर का लंच कर मतलब था और करते करते वो 4-5 बज जाते हैं क्योंकि सेकंड डे होता है, सब लोग लेट नाश्ता करते हैं, लेट उठते हैं, तो इस वजह से खाना भी छा के जब दिल करेगा तभी खाएंगे। तो फिर 4:30-5 बजे हमने जो किया था दोपहर का लंच। और जी लंच में क्या क्या था मैं आपको दिखाती हूँ। जी लंच में थी ये बहुत ही मज़ेदार सी रान, मटन रान थी ये और इतनी मज़े की थी कि अभी भी इसको देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े की बनी हुई थी और इतना गोश्त बिल्कुल गला हुआ था इसका। और इसके अलावा रायता और सैलड था जी और मटन चॉप्स थी सालन में, मतलब मटन चॉप्स थी और इसके अलावा मटन पुलाव था।
खाना जो था जी वो बहुत मज़े का बना हुआ था, राइस भी चांपे भी और मटन रान जो थी वो भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। जी तो आपने खाना देखा कि क्या क्या डिशेस थी, और ईद पे भी ये है कि ज़ाहिर है ये जो ईद है कुर्बानी की ईद होती है तो फिर मटन या बीफ ही होता है। तो यहाँ पे जी ये सब कुछ जो था वो मटन पुलाव था, मटन चॉप्स थी और मटन की रान थी। बहुत मज़े का खाना था और अभी भी जो है ना मुझे देख के दिल कर रहा है दोबारा से खाने को। अच्छा जी तो मैंने यहाँ पे सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था और बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी मौज मस्ती में। और खाना खाने के बाद जी थोड़ी देर फिर यह है कि बैठ गए थे और साथ गपशप चलती रही थी। और इसके बाद जो था फिर हमने मीठे में जी खाया था आम। उसके बाद जी हमने खाए थे आम, और सीज़न जो है आम का इसलिए स्वीट डिश जो होती है वो ज़्यादातर यही हर तरफ मैंगोज़ ही होते हैं। और आम बहुत मीठा था, बहुत मज़े का आम था, चौंसा आम था, और चौंसा आम जो होता है वो वैसे ही बहुत मज़े का होता है। तो हम लोगों ने फिर सब ने मिल के फिर ये था कि आम खाया था, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हमने चाय पी थी, और चाय के बाद फिर ये था कि बस गपशप चली थी और बहुत इंजॉय किया था। फिर हमने कुछ पिक्स वगैरह ले ली थी बाहर जाके, और यही था बस आज का दिन जो था वो इसी तरीके से स्पेंड हो गया था। बहुत मज़ा आया था। मुझे दो ये गाड़ी जस्पर, एक तो दे जस्पर, वन दो जस्पर। उसके बाद जी हम जो थे ईद के तीसरे दिन जो था वो हमारे ऐसे ही बस हम आउटिंग पे मतलब लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे और घूम घाम के बस घर आ गए थे। और ये मेरा ईद का फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे था जो कि मैंने एक ही वीडियो में सारा इकट्ठा कर लिया था। और मेरी ईद जी थी ऐसे ही गुजरी थी, और आप लोग बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, और उम्मीद करती हूँ जी अच्छी गुजरी होगी। और मुझे दें अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।